हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर योगेश आपके लिए शेयर मार्केट फॉर 2 मिनट्स इस सीरीज़ में आपका चौथा वीडियो लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 3। जैसे कि हमने देखा है पिछले वीडियो में दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसी तरह इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि क्वांटिफिकेशन अगर किसी चीज़ का होगा तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चलता है। जैसे कि हम कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो उस लड़के या लड़की का एग्जैक्टली उम्र क्या है, जिस उम्र की लड़का या लड़की आप चाहते हैं उसको ये मैच है या नहीं, उसका एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन कितना है, वो BA पढ़ा है, MA है, BE है, MBBS है, PhD, उसका एग्जैक्ट सैलरी कितना है, उसका खुद का घर है या बंगला है या फ्लैट है, उसका मेडिकल फिटनेस कैसा है, उसे कोई खराब बीमारी तो नहीं है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जैसे जानना ज़रूरी है, उसी तरह कंपनी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम रियल नंबर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कंपनी के ऑडिट डाटा में होता है। हम लोग जो चीज़ देखते हैं उसमें बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है। हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी बात करते हैं और किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फाइनेंशियल रेशियो उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमें क्लियर कट आइडिया देता है। तो कौन से रेशियो हम लोग देखने वाले हैं? PE रेशियो यानी प्राइस टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROA रिटर्न ऑन एसेट एंड प्राइस टू बुक रेशियो। इसके अलावा हम क्विक रेशियो और बहुत सारे रेशियो देखते हैं। ये सारे रेशियो उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हमें बताते हैं। आने वाले वीडियो में हम इन सारे 6 रेशियो के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारा शार्क ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का चैनल सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।